केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान, प्रधानमंत्री संत है वो देश के लिए जीते हैं और देश के लिए मरते हैं, और जो दल है वंशवाद को बढ़ाते हैं। लालू जी अपने बेटे तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। मुलायम सिंह ने अपने बेटे को बनाया, ममता बनर्जी अपने भतीजे को, और स्टालिन ने भी वंशवाद को बढ़ाया। इंडी गठबंधन परिवारवाद का प्रतीक है, जबकि नरेंद्र मोदी राष्ट्रवाद के प्रतीक है। जनता राष्ट्रवाद के प्रतीक को चाहेगी, परिवारवाद के प्रतीक को नहीं। नीतीश कुमार ने तेजस्वी के विभागों की जांच की बात कही है। इस मामले पर केंद्रीय मंत्री ने कहा, लूट हुई है और जांच से ही लूट का पता चलेगा। मुख्यमंत्री ने जो किया है सोच समझ कर किया है और जांच से बाहरी लूट का भी पता चलेगा। लालू यादव के द्वारा दरवाजा खुला होने पर गिरिराज सिंह ने कहा, इस पर नीतीश कुमार ही बताएंगे। वहीं सरस्वती पूजा में राज्य के कई जिलों में हिंसा और बेगूसराय में हुए मौत पर कहा, दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रशासन को सजग होकर जवाब देना चाहिए कि अपराधी पकड़े गए कि नहीं। शिक्षकों के राज्य कर्मी के दर्जे पर कहा, मुख्यमंत्री और हमारे डिप्टी सीएम इसे देख रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जो प्रथम दिन 2014 में तो उस लोकतंत्र के मंदिर के सीढ़ी को प्रणाम किया, उनको क्या है? वो तो संत आदमी हैं, अकाउंट में पैसा नहीं, कोई जमीन नहीं, कोई मकान नहीं, वो राष्ट्र के लिए जीते हैं, राष्ट्र के लिए मरते हैं। और जो राजनीतिक दल हैं वो अपने वंश को बढ़ाते हैं। लालू यादव जी हैं अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, मुलायम सिंह जी बना दिए, अब इधर देखिए ममता जी अपने भतीजे को, स्टालिन अपने बेटे को। पूरे देश में जो ये गठबंधन है, इंडी गठबंधन, ये अपने परिवारवाद का है और नरेंद्र मोदी राष्ट्रवाद के प्रतीक हैं, तो कहाँ से दोनों का मेल खाएगा? कोई राष्ट्र के लिए मरेगा और कोई परिवार के लिए मरेगा, तो जनता किसके साथ होगी? राष्ट्र के लिए। नीतीश कुमार सर, राजद के शासनकाल में जितने भी मंत्रियों के कामकाज है उनका जांच करने का आदेश दिया है, समीक्षा करने का भाई स्वाभाविक है। मुख्यमंत्री ने जो कहा है वो सोच समझ के ही कहा है, गड़बड़ियां हुई है, लूट हुए हैं, लूट कुछ फाइलों में हुए हैं और कुछ लूट फाइल के बाहर हुआ है। तो फाइल में जो लूट हुआ है उसी लूट से बाहर वाला लूट भी पता चलेगा। एक बार फिर से ऑफर किए हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कि आएंगे तो दरवाजा खुला हुआ है। अब ये तो नीतीश कुमार से पूछिए, इसमें मेरा क्या है? बिहार के कई जिलों में सर हवाल ट्रिपल मर्डर हुआ है, बेगूसराय में ट्रिपल मर्डर हो गया है, सनसनी फैल गई है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं समझता हूँ बेगूसराय में जो हत्या हुई है इस पर प्रशासन को सजग होकर के बताना पड़ेगा कि हत्या अपराधी पकड़ाया कि नहीं पकड़ाया। सर, बिहार में राजकर्मी के दर्जे के लिए लगातार शिक्षक प्रदर्शन कर रहे हैं और विपक्ष के लोग इसको समर्थन दे रहे हैं। बिल्कुल, शिक्षक की समस्या मुख्यमंत्री के ध्यान में है और हमारे डिप्टी सीएम के ध्यान में भी।